गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल मोमेंट अगर है, ठीक है, तो उसके जो एंड चार्जेस हैं यानी माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और जब इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स एक्सपीरियंस इस डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो फोर्स इन दिस डायरेक्शंस, फोर्स इन दिस डायरेक्शंस, इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शंस, देन क्रिएट ए टार्क। ठीक है, तो ये एक टार्क क्रिएट करेगा, और जब ये टार्क क्रिएट करता है तो ये क्या करता है, रोटेट करता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी यह किसी एंगल्स पर चेंज होगा, है ना। तो फोर्स एंगल चेंज यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज ए वर्क डन, तो इसमें वर्क डन होगा। ठीक है, अब ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, यही कैलकुलेट करना है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक क्या है, डाइपोल। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, क्लियर, और यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है एंड यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। Consider a dipole of charge Q1 minus Q and Q2 plus Q, clear, placed in an uniform electric field E, ठीक है, ये uniform electric field, ये है आपका dipole, suppose minus Q and ये plus Q, ठीक है। इस डाइपोल पर या इस पोल पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा F इंटू क्यू ई, इस डायरेक्शन में होगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इस इन पॉइंट पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यही फोर्स एक्सपीरियंस होगा इन दिस डायरेक्शन, तो इससे क्रिएट होगा टार्क। ठीक है, और ये जो एंगल है यह है थीटा, तो टार्क क्रिएट हुआ और इसमें कुछ एंगल डिस्प्लेस हुआ, है ना। तो टार्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या होता है, वर्क डन, यही कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो टार्क है वह क्या होगा, तो टार्क हम पढ़े हुए हैं, टार्क टाउ इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टार्क हमारा कौन सा है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको क्या पढ़े थे आप, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है, ये आपने पढ़ा था, क्लियर है। अब ये जो डाइपोल है, अगर स्मॉल एंगल डिस्प्लेस हुआ और फोर्स उस पर क्या लगा, यानी वो फोर्स जो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, इसकी वजह से टार्क क्रिएट कर रहा है, दैट इज फोर्स, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, देन इट्स विल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। ठीक है, और वह स्मॉल वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टार्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। हमने सपोज किया ये डी थीटा डिस्प्लेस हुआ, स्मॉल वर्क डन ये हुआ, ओके, अब ये हुआ वर्क डन। इसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारा डाइपोल है, ठीक है, ये रोटेट हुआ, ठीक है, कहां से कहां तक रोटेट हुआ, थीटा वन से थीटा टू, तो ये थीटा वन से थीटा टू जो रोटेट हुआ, अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वर्क डन। ठीक है, फ्रॉम एंगल थीटा वन टू थीटा, ठीक है, ये होगा टोटल वर्क डन। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करते हैं, ये हुआ, देन टोटल वर्क डन
टोटल वर्क डन, इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, थीटा वन टू थीटा टू। तो ये होगा टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा वन टू थीटा टू टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा वन थीटा टू, टाउ की वैल्यू क्या है, ये है भाई पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। पी एंड ई आर कॉन्स्टेंट, आउटसाइड कर लो इसको, तो W इज इक्वल टू पी ई इंटीग्रेशन ऑफ थीटा वन टू थीटा टू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हुआ। ठीक है, ओके, नाउ अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनिशियल एंगल थीटा वन टू थीटा। ठीक है, अब लिमिट ऑफ टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू सपोज माइनस पी ई, ये हुआ, या फिर आप यहीं पर ले लो माइनस, ठीक है, कॉस थीटा टू, ये हुआ कॉस थीटा टू माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा वन, ये हुआ। माइनस का मल्टीप्लाई कर जाओ, तो W इज इक्वल टू पी ई इन ब्रैकेट, ये होगा माइनस कॉस थीटा टू और ये माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस थीटा वन, तो कॉस थीटा प्लस है थीटा वन प्लस है, हमने उसको पहले राइट कर लिया, माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, दिस इज द वर्क डन फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, क्लियर है ना। अब ये वर्क डन जो है किसमें चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू U इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल रोटेट एंगल थीटा वन टू थीटा। ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, ओके। अब उसके बाद एक कंडीशन हमने और पढ़ा, क्या पढ़ा हुआ है कि अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को फ्री छोड़ देंगे तो वह स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और स्टेबल होता है एट राइट एंगल, राइट एंगल पर स्टेबल हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइपोल स्टेबल है, ठीक है, अब इसको जब हम रोटेट कराएंगे तो ऐसे रोटेट कराएंगे, तो अब इनिशियल एंगल क्या हुआ, राइट एंगल, अब हमने रोटेट किया एंगल थीटा पर 20 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, ओके, तो 90 डिग्री टू एंगल थीटा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको देखिए, तो एट इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, ठीक है, तो डाइपोल हमारा कैसा है, इक्विलिब्रियम है, तो उसका जो पोजीशन होगा इनिशियल पोजीशन वो राइट एंगल होगा। ठीक है, देन U इज इक्वल टू पीई, U इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा वन इनिशियल एंगल 90 डिग्री, ये हुआ आपका कॉस 90 माइनस फाइनल एंगल किसी पर्टिकुलर एंगल 30 डिग्री 20 डिग्री। ठीक है, तो हमने उसको मान लिया एंगल थीटा, ये हुआ, क्लियर। तो U इज इक्वल टू कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, अब ये हुआ माइनस कॉस थीटा, तो माइनस पी ई कॉस थीटा, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कहीं कहीं ये था अब ये आ गया, तो 90 से ये एंगल थीटा पर आया, तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है ओके। अब ये हुआ, अब उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। जब टू चार्जेस के सिस्टम होते हैं ठीक है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, इसको आपने पढ़ा हुआ है, इसको देखते हैं, ठीक है ओके। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, ये सपोज ये हमारा एक सिस्टम है, इस पर इस पॉइंट पर चार्ज है Q1, पोटेंशियल डिफरेंस है V1, ठीक है, इस पॉइंट पर Q2, पोटेंशियल डिफरेंस है V2, ठीक। तो इस पर जो वर्क डन होगा, सपोज यहां से इनफिनिटी से ये पॉइंट है आपका, ये R1 है जो भी है, ये R2 कोई डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहां पर वर्क डन क्या होगा, Q इंटू भी वही उसी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्लियर, तो यहां पर भी Q इंटू भी ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये एक सिस्टम है तो इनकी वजह से भी कुछ न कुछ एनर्जी हो, है ना। अब ये डिस्टेंस था आपका R12, ऐसा था सिस्टम, हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वह था U इज इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये डिस्टेंस, ठीक है, R1 टू R21, ये था, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डाइपोल में, डाइपोल में जो हमारा सिस्टम ऑफ चार्ज है वह क्या है, ये एक प्लस है और एक माइनस है, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज कुछ है, ये हमने टू वे डिस्टेंस माना, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ आपका वर्क डन होगा, वह पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से कुछ वर्क डन होगा, ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों की वजह से कुछ वर्क डन, कुछ पोटेंशियल होगा, तो सबका सम कर लेंगे तो हमको इस सिस्टम का पूरा एनर्जी मिल जाए, है ना, ये तो यहां पर सब वैल्यू रखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्यू वन क्या है आपका, प्लस क्यू, ठीक है, क्यू वन आपका प्लस क्यू है, ये हुआ प्लस क्यू, और ये सपोज वी वन ही है। अब Q2 क्या है, माइनस Q, ये है माइनस Q, और ये रहा आपका V2, अब ये Q1 into Q2, तो एक प्लस एक माइनस, तो ये क्या जाएगा, माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, चार्ज सेम है Q एंड Q, साइन चेंज है, तो ये हुआ साइन चेंज हो गया, ये हुआ Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, तो इसके बीच डिस्टेंस क्या है, 2a, 2l, कुछ भी सपोज कर लो, यहां पर हमने सपोज किया 2a, ये है सिस्टम का एनर्जी, ठीक है, डाइपोल का, क्लियर ओके। अब देखिए, ये देखिए क्या है, u इज इक्वल टू q कॉमन ले लो, v1 माइनस v2 माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 2a, ये क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में है क्या चीज, यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यहां पे यू इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस के प्लेस पर हमने ये रख दिया, माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए, ये भी हुआ फॉर्मूला, ठीक है। अब उसके बाद ये हमने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा, इसको देखिए, ये जो प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, यानी एक जो डाइपोल है इनके बीच जो डिस्टेंस 2a है, ये क्या है, वेरी 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 स्मॉल, बहुत 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 छोटा है। इसका मतलब है कि अगर ये इनफाइनाइट से ये आया हुआ है, इनफाइनाइट से ये आया हुआ है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब जब इक्वल होगा तो क्या क्रिएट करेगा, इक्वल वर्क डन करेगा, ये प्लस क्यू की वजह से प्लस वर्क डन होगा और ये माइनस क्यू की वजह से माइनस वर्क डन होगा, और वह वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा,
और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है एक प्लस क्यू की वजह से और एक माइनस क्यू की वजह से इक्वल है बट अपोजिट, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो यहां से आपको मिला देन पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी वन माइनस क्यू वी टू इज इक्वल टू जीरो, ये मिला। तो इसके प्लेस पर आप क्या रखोगे, जीरो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, ठीक है। बट एक्चुअल में ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है इक्विलिब्रियम डाइपोल से, जो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी है वह यह है किसी एक सिस्टम, तो सिस्टम का जो सिस्टम डाइपोल का है उसकी एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये है यू इज इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा, क्लियर है। तो इसको याद रखिएगा, और यहां पर का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो क्यों हुआ, इसकी वजह से, ठीक, ओके। तो एक्चुअल में जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ठीक है, अब डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या मिला आपको, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस बी कॉस थीटा, ये क्लियर, ठीक। तो ये हुआ आपका ये टॉपिक, ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर, इसका इंट्रोडक्शन हम समझते हैं, ठीक है। कैपेसिटर एक्चुअल में होता क्या चीज है, इसको देखिए। सबसे पहले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ये जो हमारा नेचर है कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट एनर्जी एंड दूसरा मटेरियल, ठीक है। तो एनर्जी और मटेरियल, हम एनर्जी भी यूज करते हैं और मटेरियल का भी यूज करते हैं। अब इनका जो हम यूज करते हैं दो तरीके से करते हैं, क्लियर। फर्स्ट हमारा होता है कि हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, और दूसरा हमारा होता है स्टोर करके यूज करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी हमने एनर्जी पढ़ा, ठीक है, ये सब हमारा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। बट हम एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वह क्या है, ठीक है, इसको देखिए। अब एनर्जी को भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और स्टोर करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो एनर्जी का हम डायरेक्ट यूज किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, हमने जनरेटर चलाया, जनरेटर ऑन किया, ठीक है, तो हमने चलाया और हमको एनर्जी मिली, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब हमने जैसे ही जनरेटर को ऑफ कर दिया तो हमको करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट, हम चला रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, तो हमको करंट मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही, ठीक है। अब जो हमारे पास बैटरी होती है, बैटरी, उससे हम क्या लेते हैं, करंट लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस हमारे बैटरी में स्टोर है, क्या स्टोर है, चार्ज स्टोर है, इलेक्ट्रॉन स्टोर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन चल रहा है और कंटिन्यू हमको क्या मिल रही है, करंट मिल रही है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल रही है। तो इंजन चलाया डायरेक्ट, ठीक है, और हमने स्टोर कर रखा बैटरी में, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, दो तरीके से इसका यूज हुआ, ठीक है। इसको हम डेली लाइफ में किस तरह से यूज करते हैं उसको देखिए। तो वाटर को हम दो तरीके से यूज करते हैं, है ना, या डायरेक्ट पंप से, यानी पंप चलाओ, नल चलाओ, हाथ मुंह धो ले, पानी पी ले, ठीक है, तो ये हुआ डायरेक्ट, या तो फिर हमने पंप चला के ये छत पे हर शाम को हम पानी को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, दिन भर में उसका यूज करते हैं, करते हो ना, ठीक है। तो ये हुआ पानी को हम डायरेक्ट नल चला के, पंप चला के यूज कर लिए, ठीक है, और या फिर हम उसको स्टोर करके यूज करें, क्लियर है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम एनर्जी को स्टोर करके और डायरेक्ट यूज करते हैं, क्लियर है। अब
ये जो एनर्जी का स्टोर होता है इसको समझते हैं क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती कैसे। ठीक है, तो एनर्जी जो हमारी स्टोर होती है वह किसी कंडक्टर में होती है, और किस तरह से होती है देखिए, ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये है इन्फाइनाइट। तो इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हमने सब कुछ किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी, ठीक है। अब इस इन्फाइनाइट से हमने इलेक्ट्रॉन लाया, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन आएगा यानी चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये चार्ज यहां पर आया, तो हमने देखा एक चार्ज यहां पर आया तो कितना हुआ, वन इलेक्ट्रॉन आया तो वन भी हुआ, ठीक है। और अगर दो इलेक्ट्रॉन आया तो इसके पास टू भी हो गया, हमने यहां से तीन इलेक्ट्रॉन लाया तो क्या हो गया, थ्री भी हो गया। तो यानी यहां से जो हम चार्ज ला रहे हैं, यहां से चार्ज इन्फिनाइट से इस पॉइंट पर ला रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमने देखा कि इसका जो पोटेंशियल है वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मीनिंग यह है, चार्ज यहां पर लाओ, स्टोर करो, और उसकी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। और हमने बताया कि यहां पर एक्चुअल ये क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या है, टू माइनस वन क्या मिला, भी, थ्री माइनस टू क्या मिला, भी। पोटेंशियल डिफरेंस आपका उस लोकेशन पर वही रहेगा, लेकिन हमने देखा जैसे जैसे चार्ज यहां पर स्टोर हो रहा है वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल बढ़ रही है। ये यहां पर हमने बहुत सारा इलेक्ट्रॉन स्टोर कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन का स्टोर हुआ यानी चार्ज स्टोर हुआ, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी इंक्रीज हो गई, है ना। अब ये चार्ज हो गया, अब यहां से पोटेंशियल हम ले सकते हैं, ठीक है। किस तरह से ले सकते हैं, इसको अर्थ से जोड़ दिया, अर्थ, ठीक है। ये जो हमारा अर्थ है इसके पास जीरो पोटेंशियल होता है, जीरो पोटेंशियल, तो यहां पर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल है, और ये हमने अर्थ से इसको जोड़ दिया, क्लियर है। तो अब यू ये चार्ज होगा, फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर जीरो पोटेंशियल है यहां पे, तो ये चार्ज फ्लो होगा, और जब चार्ज फ्लो होगा यहां पर हम बल यूज कर लेंगे या कोई रेजिस्टेंस यूज कर लेंगे, तो ये क्या होगा, ग्लो करेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये हमारा है स्टोर ऑफ चार्ज। तो स्टोर ऑफ चार्ज क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल क्रिएट करता है, ठीक है, उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है, ठीक है, ओके ओके। तो अब हम समझते हैं, हमारे पास एक डायनमो होता है, डायनमो चलता है तो हमको कंटिन्यू करंट मिलता है, और हमने देखा कि हम बैटरी यूज करते हैं उससे भी हमको कंटिन्यू करंट मिलता है। तो अब क्या हमको समझ में आता है कि डायनमो और बैटरी कहीं कहीं उसमें चार्ज स्टोर है ना, तभी हमको कंटिन्यू करंट दे रहा है। अब इसको समझते हैं कि जो हमारा डायनमो और सेल है, ठीक है, बैटरी, एक्चुअल में उसमें चार्ज स्टोर नहीं होता है, ठीक है। किस तरह से, इसको समझते हैं, जो हमारा बैटरी है, सेल है, उसमें केमिकल एनर्जी होती है, और वह केमिकल एनर्जी जब रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वह केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, क्लियर। डायनमो में इसी तरीके से, तो डायनमो जो हमारा होता है जब चलता है, दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, और जब मैकेनिकल एनर्जी से ही वह मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, समझ में आ रहा ना। ये होता है हमारा डायनमो और सेल, उसमें चार्ज स्टोर नहीं होता है, वह जो एनर्जी होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, मैकेनिकल चेंज इलेक्ट्रिकल, केमिकल चेंज इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो चार्ज कहाँ स्टोर होता है, अभी हमने बताया चार्ज एक कंडक्टर में स्टोर होता है, क्लियर है ना, ये जो अभी हमने बताया था इसके पहले, ठीक है। तो ये एक कंडक्टर है, हमने
ओके पेन नहीं है क्या? चलो ठीक है, ये देखो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये भी हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। जब हमने इसको ऐसे टच कराया तो इसका जो चार्ज है इसमें स्टोर हो गया, ये चार्ज हो गया। हमने इसको और चार्ज किया, फिर देखा इसको, इसके जो चार्ज थे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रांसफर हो गए, और इसको चार्ज किया ये ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो डिस्चार्ज था अब इसमें चार्ज स्टोर हो गया, ठीक है। अब ये भी करंट देगा, जब इसको हम अर्थ से जोड़ देंगे, जीरो पोटेंशियल से जोड़ देंगे और बीच में बल्ब लगा देंगे तो जो हमारा बल्ब होगा ग्लो करेगा, जलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहां से चार्ज चल रहा है, समझ रहे हो ना। अब ये चार्ज जा रहा है उस बल्ब में जो रेजिस्टेंस है उस पर स्टोक करता है, टक्कर करता है और वहां से वाइब्रेट होता है, और जो वाइब्रेशन होता है उसी से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये चार्ज जो हुआ वो किसमें चेंज हो गया? लाइट एनर्जी में, ठीक है। ऐसा है तो चार्ज हम स्टोर कहाँ करते हैं? किसी कंडक्टर मटेरियल्स में, ठीक है, वहां पर हम चार्ज स्टोर करते हैं। ओके, अब चार्ज स्टोर हो जाता है तो उसका हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसका यूज कैसे करेंगे इसको समझिए। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतना हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक हमने देखा कि जब किसी पेशेंट का हार्ट जो होता है वह पंप करना बंद कर देता है तो डॉक्टर क्या यूज करते हैं, ठीक है, तो उस पर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे उस पर इस तरह से लगाते हैं तो वह उस पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, ठीक है। इतना अधिक फोर्स लगाता है कि वह बहुत ही कम समय में, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स लगा देता है, ठीक है। अब एनर्जी जो है हमको चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए? बहुत ज्यादा, और वह इंस्टेंटेनियस होना चाहिए, बहुत ही कम समय तक होना चाहिए। ऐसा हम एनर्जी स्टोर करेंगे, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये डॉक्टर यूज करते हैं उसका, ठीक है। तो इससे जो पेशेंट होता है उसके जो हर्ट होते हैं उस पर स्ट्रोक होता है और वह चलने लगता है, ठीक है। और भी फिल्मों में भी होता है ऐसा, कोई हीरो हीरोइन जब डूब जाता है तो क्या होता है, उसका जो हर्ट होता है बंद हो जाता है, फूंक मारते हैं ना मुंह में, ठीक है, ऐसा ही होता है, जो भी होता है, ठीक है। ये तो बट एक्चुअल में वो जो हमको एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि कम समय में ये एनर्जी चाहिए हमको, इतना हम उसमें स्टोर करके रख लेते हैं, क्लियर है। ओके, अब इसी तरीके से हमको हमारी रिक्वायरमेंट जो है कि इस सरफेस पर या इस सरफेस पर हमको एक साथ, ठीक है, 20 लीटर वाटर चाहिए, 20 लीटर पानी चाहिए एक साथ, तो हम आप नल चलाइए इस तरह से, ठीक है। अब पानी गिरेगा उस पर, गिरेगा थोड़ा थोड़ा गिरेगा पानी, ठीक है, तो वह उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट जो है एडवांस तुरंत 20 लीटर उसको चाहिए, तो क्या करोगे, है ना। तो आप जाओगे जहाँ पे आप वाटर स्टोर किए हो टंकी में, वहाँ से आप टैप ऑन करोगे, आपकी 20 लीटर की बाल्टी भरेगी। अब 20 लीटर की बाल्टी आप लाओगे यहाँ पर ऐसे उड़ेल दोगे, ठीक है। तो जब आपने उस पर उड़ेल दिया तो क्या होगा, वह आपका काम हो गया, ठीक है। ये है हमारी रिक्वायरमेंट। तो हमने एनर्जी स्टोर किया कहां से, जो हमारा सोर्स ऑफ चार्ज है, सोर्स ऑफ वाटर है, यानी नल हमारा सोर्स है ना, उससे हमने पानी इकट्ठा किया, बट वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, टैप से पानी आ रहा है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने उसको स्टोर किया। अब जब स्टोर किया ये 20 लीटर उसकी रिक्वायरमेंट है, ये क्लियर है एडवांस, ठीक है, तो वह वर्क करना शुरू कर दे, क्लियर है ना। ये है स्टोर। तो हमने देखा जो हमारा एक सिस्टम है इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं,
क्लियर। और चार्ज के बाद इसको हम यूज कर सकते हैं, और किस तरह से यूज करेंगे, इसका जो हम यूज करेंगे वो बहुत ही इंस्टेंटेनियस होगा, बहुत ही जल्दी स्टोर एंड उसका हम यूज कर लेंगे। ठीक है, ये है इसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक बाल्टी है, इसमें हमने देखा कि इसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है, जो वाटर स्टोर हो रहा है, ठीक है, इसमें वाटर स्टोर हो गया, ये चार्ज हुआ, यानी इसमें पोटेंशियल आ गया, है ना। ठीक है, अब उसके बाद इसका हम यूज कर लेते हैं एडवांस इंस्टेंटेनियस, बहुत ही ताक्षणिक, बहुत ही फास्ट। ठीक है, तो इस जो हमारी बकेट है, ठीक है, इसका हमने नाम रख दिया कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है, कि वह चार्ज स्टोर कर सकता है सोर्स चार्ज से, ठीक है, और इसको हम एट वंस यूज कर सकते हैं, है ना। ये हमारा है बकेट, इसको हमने समझ लिया एज ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर्स क्या कर सकता है, कैपेसिटर वर्क करेगा इंस्टेंटेनियस, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी एट वंस, ठीक है, और उसको हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारा है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की हम डेफिनेशंस नोट कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होगा और उसका हम इंस्टेंटेनियस यूज कर लेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब हम इसमें ये वर्ड देखिए, फ्रॉम, यानी कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस चार्ज, ठीक है, एंड इट कैन बी रिक्वायर्ड बाय एट ए वेरी फास्ट एंड देन डिस्चार्ज। ठीक है, अच्छा, तो ये जो हमारा कैपेसिटर है चार्ज हो जाता है, तो इसमें हम चार्ज को कंप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, अभी बताए थे ना, छोटा सा हमारा था डिस्चार्ज मटेरियल, उसको हमने चार्ज दिया, चार्ज हो गया, फिर से चार्ज दिया, फिर से चार्ज दिया, उसमें हमने चार्ज को भर दिया, यानी ठूस दिया। ठीक है, ये हुआ, अब हम उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कैपेसिटर चार्ज है कैसे पता करेंगे, तो उसका हमने पता कर लिया, ये कैपेसिटर है सपोज चार्ज हो गया है, इसको अर्थ से जोड़ देंगे, बीच में बल्ब लगा देंगे, चार्ज फ्लो होगा, समझ रहे ना। ये तो है हमारा कैपेसिटर। ठीक है, अब हम अगली क्लास में पढ़ते हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होते हैं, किस तरह से होता है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।